नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं खबरों में आज लेकर। आज खबरों में क्या कुछ खास है हम नजर डालेंगे और कौन सी ऐसी खबरें हैं जिस पर हर किसी की नजर बनी रहेगी और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आज की अखबारों में सुर्खियां बनी हैं, सब आपको बताएंगे। और खासतौर से पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास चल रहा है, और मेरे सहयोगी हमारे साथ होंगे, मेहमान भी हमारे चंडीगढ़ से साथ होंगे जो हमें खबरों का विश्लेषण भी करके बताएंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी राजन गोसाई हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं, पंजाब की जो बड़ी खबरें हैं वो हमें बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ ललित शर्मा जुड़ रहे हैं हिसार से जो हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे, और साथ ही मोहित भी जुड़ेंगे जो हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। शुरुआत हम पंजाब से करने जा रहे हैं, राजन हमारे साथ हैं अमृतसर से। राजन, पंजाब की बड़ी खबरें, अब सियासत कहीं ना कहीं आज के दिन तो ठंडी होगी, मंगलवार जो है सियासत का वो निकल चुका है। जी बिल्कुल गौरव, आज जो है रैलियों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। कल बठिंडा में कांग्रेस पार्टी की रैली थी, तो दूसरी ओर पटियाला में श्रोमणी अकाली दल की रैली थी, सद्भावना रैली नाम दिया गया। रैलियों का दौर तो अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल का आगे क्या होता है, क्या कैसी रणनीति होती है, वो किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक ही रैली की है, जब कि श्रोमणी अकाली दल 6 सद्भावना रैलियां कर चुका है, तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है आगे कोई रैली का आयोजन करती है या घोषणा करती है, या जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कह चुके हैं कि वो गांव-गांव जाके लोगों के साथ संपर्क करेंगे और उन्हें अपनी योजनाएं बताएंगे कि सरकार बनने पर वो क्या करेंगे। तो अभी इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि आगे दोनों पार्टियों की क्या रणनीति रहेगी। अगर इसके अलावा बात की जाए अबोहर कांड की, जो दलित के हाथ पैर काट दिए गए और एक का कत्ल हो गया, तो उस मामले की जांच की मांग की जा रही है। यह मामला दिल्ली तक पहुंच गया है, निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। और हालांकि पंजाब सरकार कह रही है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे हंगामा कर रही है। तो आज इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा ठंड बढ़ गई है, शीतलहर जारी है, इसका घना कोहरा भी है, जिसके कारण कई ट्रेनें रद्द भी हुई है, लेट भी हो रही है, फ्लाइट भी जो है रद्द हो रही है, तो इस पे भी हमारी खबर बनी रहेगी, नजर बनी रहेगी। इसके अलावा आज हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, और शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में विशेष समागम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अमृतसर में सचखंड हरिमंदर साहिब में दीवान सजाए जाएंगे, और इसके अलावा अमृतसर में गुरु के महल जहां गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थान है, वहां पर भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो जो किए जाएंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी गौरव। जी बिल्कुल, तो ये पंजाब की बड़ी खबरें जिन पर आज पूरा दिन नजर बनी रहेगी। और खासतौर से अगर मैं मौसम की बात करूं, जिस तरह से राजन ने बताया कि शीत लहर है और कोहरा बहुत ज़्यादा है, ट्रेन्स लेट हो रही हैं और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी है, तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर आप अपने काम पर निकल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी निकलिएगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हिसार का रुख करते हैं, हमारे साथ ललित जुड़ चुके हैं। ललित, हरियाणा की बड़ी खबरें। गौरव, अगर मैं बात करूं हरियाणा की बड़ी खबरों की, तो सबसे बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, आज फरीदाबाद में जो कांग्रेस है वो आज प्रोटेस्ट करने जा रही है। कहीं ना कहीं जितने भी जो अशोक तंवर की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी का नाम इस पर आ रहा है, उसको लेकर जो कांग्रेस है वो रोष व्यक्त कर रही है। उसको लेकर कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो पुतले जलाए गए थे, और उसी को लेकर आज अगर हम हरियाणा में फरीदाबाद में संयुक्त तौर पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। देखना यह होगा कि जो उप एक्स सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी वहां पर होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी में आपसी फूट है वो नजर आती है। ये देखना होगा कि इस जो ये प्रदर्शन किया जाएगा इसमें जो एक्स सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, दिन भर इस पर हमारी नजर रहेगी कि किस तरह से कांग्रेस आज प्रोटेस्ट करता है। जी, उसके अलावा अगर गौरव हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो पंचायती चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, 3 चरणों में ये चुनाव होना है, जिसको लेकर फिलहाल जो पहले चरण के लिए जो सरगर्मियां हैं अब तेज बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि 4 महीने के बाद ये घोषणा हुई है और जो नई शर्तें हैं, 5 जो नई शर्तें हैं उन्हीं पर ये चुनाव अब होंगे, तो उसको लेकर भी अब जो गांव में है वो तैयारियां होनी शुरू हो गई है, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसके ऊपर अगर हम बात करें, लगातार इस पर भी सियासत हो रही, जहां पर एनएलओ पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि
कि वो इस चुनाव को अगर भाजपा चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी तो पता चल जाएगा कितनी लोकप्रियता रहेगी उनकी 11 महीने में जिन्होंने कार्यकाल किए है। वहीं पर जो सीएम है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जो चुनाव चिन्ह पर इस पंचायत चुनाव को नहीं लड़ेंगे, तो इस पर भी दिन भर हमारी नजर रहेगी किस तरह से इस पर सियासत होती नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो मौसम को लेकर है। सुबह और शाम जरूर ठंड है, ठिठुरन है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि धुंध नहीं है, जिससे जो लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यह है कि ठंड और ठिठुरन की वजह से लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें दिन के समय सूर्य भगवान जरूर दर्शन दे देते हैं, जिससे लोगों को राहत जरूर मिलती है। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिस पर दिन भर नजर बनाए रखेंगे। गौरव जी बिल्कुल, हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं और उत्तर भारत में जो दिसंबर का महीना होता है लगभग पूरे उत्तर भारत में बहुत ठंड होती है और उसका असर अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। हमारे साथ अब मोहित प्रेम शर्मा भी जुड़ चुके हैं हिमाचल की बड़ी खबरें बताने के लिए, शिमला से हमारे साथ हैं। मोहित, अगर मैं हिमाचल की बड़ी खबरों की बात करूं तो आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी? देखिए गौरव, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा केंद्रीय जो पूर्व मंत्री जो हैं कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और मोतीलाल उन पर जो है वो मानहानि का मुकदमा जो है वो दायर किया गया था, तो उसे जो है खारिज कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि वो गहन करेंगे इस पूरे मामले का और अपने अधिवक्ताओं के साथ बातचीत के बाद अब हाईकोर्ट तक ले जाएंगे ये मामला, यानी जो मानहानि का मामला जो सेशन कोर्ट ने खारिज किया है उसे अब हाईकोर्ट में चुनौती ले जाएंगे। और दूसरी जो खबर है गौरव वो यही है कि पंचायती राज चुनाव के जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें आज उसका आज दूसरा दिन है और कल तक ये प्रक्रिया जो है वो चलेगी। इसके बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दावे जो हैं वो जीत के लगातार बरकरार है। कांग्रेस कहती है कि जो उनके समर्थित कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे, जबकि बीजेपी का भी यही दावा है। इसके अलावा शिमला पुलिस ने एक जो है शिमला पुलिस एक ऐप लॉन्च करेगी स्पेशल महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाएं जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। यानी अगर किसी के साथ छेड़खानी होती है, उत्पीड़न होता है या फिर किसी तरह की हिंसा होती है, उसके लिए महिलाओं के लिए एक विशेष ऐप जो है वो तैयार करने की योजना है शिमला पुलिस की। और पुलिस का ये कहना है क्योंकि महिलाएं जो है वो कभी कभी अपनी शिकायत जो है वो खुलकर नहीं बता पाती है 100 नंबर पर या फिर जो पुलिस द्वारा जारी किया गया दूसरा नंबर है 9459100100 पर, तो अब जो है इस ऐप पर महिलाएं जो अपनी शिकायत वो लिखवा पाएंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह जो है कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी आज प्रेस वार्ता है और जिस तरह से पुतला फूंकने के दौरान जो है घटना हुई थी उसका बीजेपी ने मुद्दा बनाया और अब बीजेपी न्यायिक जांच की मांग कर रही है पीएम मोदी का पुतला फूंकने की और जो आगजनी की घटना हुई थी उसको लेकर के। इसके बाबा जो है जवाब दे सकते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह और इसमें आंकड़े भी पेश किए जा सकते हैं कि बीजेपी ने कितने पुतले कांग्रेस के नेताओं के फूंके हैं। जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि पीएम का पुतला फूंकना असंवैधानिक है। इसके अलावा मौसम की बात कर लीजिए गौरव, तो मौसम जो है अभी धूप जरूर है लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज और कल एक बार फिर से हिमपात होगा वाले इलाकों पे, जिसका असर मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में भी होगा, तो असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। धूप जरूर है लेकिन हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और ठंड का एहसास लोगों को करवा रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं गौरव जिन पर दिन भर जी बिल्कुल। सियासत अगर हिमाचल की बात करें तो पक्ष विपक्ष में तकरार जो है यहां जारी है और लंबे समय से जारी है, लग नहीं रहा कि ये रुक पाएगी।